संजय दत्त की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई ना कोई परेशानी उनके आगे खड़ी हो जाती है, फिर चाहे उनकी फिल्म से लेकर कोई प्रॉब्लम हो या फिर सजा से लेकर। अब देखिए ना, संजय दत्त को जल्दी रिहा किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिया है कि आखिर संजय दत्त को समय से पहले जेल से रिहा क्यों किया गया, जिसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि जब संजय दत्त अपनी कैद के आधे समय तक पेरोल पर बाहर ही रहे तो ऐसे में उन्हें इतनी जल्दी रिहा कैसे किया जा सकता है, जिसके बाद संजय दत्त की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और अगर बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा तो वो एक बार फिर संजय को जेल भिजवा सकती है। जी हाँ, 12 जून यानी सोमवार को कोर्ट ने सरकार से संजय दत्त की रिहाई से लेकर सवाल किया है और उनके इस फैसले पर सफाई मांगी है कि संजय को 8 महीने पहले जेल से कैसे रिहा किया गया, जबकि वो ज्यादातर समय पैरोल पर बाहर थे। कोर्ट ने कहा, सरकार ने संजय दत्त को रिहा करने पर उनके अच्छे व्यवहार का हवाला दिया था, लेकिन असल में तो संजय आधे समय तक तो पैरोल पर बाहर ही थे। ऐसे में सरकार ने उनके अच्छे व्यवहार का आंकलन कब और कैसे कर लिया? हम आपको बता दें कि अपनी अपकमिंग मूवी भूमि की शूटिंग में बिजी संजय दत्त को 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और फिर उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए पुणे की यरवदा जेल से तय समय से 8 महीने पहले यानी फरवरी 2016 में उन्हें रिहा कर दिया गया, जो अब कोर्ट को नागवार गुजरी है, जिसके बाद संजय दत्त की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और अब इस मामले की सुनवाई 1 हफ्ते बाद की जाएगी, जिसमें संजय के साथ कुछ भी हो सकता है।